लेकिन मैं दो टेंपल के बारे में इस व्लॉग के अंदर आपको बताने वाला। ये शिवलिंग निकली हुई है बिल्कुल जमीन के अंदर से। मैंने भी जैकेट पहन ली है, कैप लगा ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे ग्वालियर में। जो लोग हमें रेगुलर फॉलो करते हैं उनको सबको ध्यान होगा कि मैं जांशु और सुरु इस वक्त हम लोग हैं ग्वालियर में। दो दिन का ट्रिप है स्पेशली। आज का जो व्लॉग है ना, उस व्लॉग के अंदर आपको मैं दिखाने वाला हूँ ग्वालियर में एक्चुअली फेमस टेम्पल काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं दो टेम्पल के बारे में इस व्लॉग के अंदर आपको बताने वाला हूँ। अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर और सेकंड है खेड़ापति हनुमान जी का मंदिर। ये दो टेम्पल के दर्शन करने वाले हैं स्पेशली। देखो जी, जबरदस्त फॉग सिटी के अंदर, ग्वालियर सिटी के अंदर ही। देखो पूरा ठंडा है मौसम फिलहाल। ये स्पेशली ये बोर्ड लगा हुआ है अचलेश्वर महादेव जी मंदिर, यहाँ से हमको लेफ्ट टर्न करना है। देखो ये मंदिर बन रहा है एक्चुअली, बिल्कुल रोड के किनारे एक्चुअली ये मंदिर है। देखो टू व्हीलर की पार्किंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल माला ली जा रही है, माला ले ली, प्रसाद ले लिया फिलहाल, जांशु ने फूल ले लिए हाथ में, और सामने मंदिर करेंगे दर्शन फिलहाल। ये शिवलिंग निकली हुई है बिल्कुल जमीन के अंदर से, इसलिए ये फेमस है। मेन रोड पे एक्चुअली ये शिवलिंग है, और इसी मंदिर के साथ में है एक और मंदिर, ये एक्चुअली राम दरबार है। काफी सारी देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पे। ये अचलेश्वर महादेव जी मंदिर एक्चुअली ये है। जांशु ने किए दर्शन और दान पेटी में डाल दिए कुछ दक्षिणा। ये देखो ये जूता चप्पल इस तरफ है, और यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह दीप बत्ती वगैरह कर सकते हैं। और एक्चुअली ये है अचलेश्वर महादेव मंदिर, मेन मंदिर मुख्य मंदिर यही है। जल अभिषेक हो रहा है एक्चुअली अंदर, काफ़ी लोग आते हैं इस जगह पे। लो जी, फाइनली अचलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं खेड़ापति हनुमान जी मंदिर की तरफ। टमटम आ गई है फिलहाल। तो फाइनली मंदिर के हुए दर्शन। जय हो भोलेनाथ जी। लो जी, फाइनली खेड़ापति हनुमान जी मंदिर के बाहर हैं, अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। जय श्री राम सीताराम। सीढ़ियाँ कुछ इस तरह की दुकानें हैं, लेकिन फिलहाल अभी तो बंद है। ये है खेड़ापति महाराज हनुमान जी मंदिर बाल्य रूप में एक्चुअली। ओम नमः शिवाय। इस मंदिर प्रांगण के अंदर काफी सारे मंदिर हैं। श्री राम जानकी मंदिर भी है देखो। श्री राधा कृष्ण मंदिर, ये राधा कृष्ण का मंदिर है इसी प्रांगण के अंदर। ये दोनों मंदिर के हमने फिलहाल किए हैं दर्शन, अब बढ़ते हैं सीधा घर की तरफ। ऑटो से, जिस ऑटो से आए थे उसी ऑटो से हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ फिलहाल। मंगलवार शनिवार को ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। ओ खड़ी हमारी ऑटो टमटम। मंदिर के बाहर का दृश्य कुछ इस तरह से, ये गली रोड। जांशु पहले बैठ रहा, जाके देखो बैठना है, बैठना है, बैठो। चलो बैठो। लो जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं मंदिर के दर्शन करके। दोनों मंदिर लगभग 300 साल पुराने हैं, अचलेश्वर महादेव जी मंदिर और खेड़ापति हनुमान जी मंदिर। फेमस मंदिर है ग्वालियर के। अगर आप ग्वालियर आते हैं विजिट करने के लिए, टेम्पल विजिट करते हैं, तो ये दो मंदिर के भी दर्शन करें, काफ़ी अच्छे हैं। और 15 से 20 मिनट का रास्ता है बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से। आज के ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो करें लाइक। अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में, तब तक बाय।